राखी सावंत के चाहने वाले, आपके चाहने वाले सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिरकार शादी हुई है या नहीं हुई है। शादी की बात तो ना मैं डिनाई कर रहा हूँ, ना मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरे को 10 डेज टाइम, 10 to 12 डेज मैं गेट बैक करूंगा, मैं बोलूंगा, इस बारे में मैं जरूर बात करूंगा, क्या था, क्या रीजन थे, क्यों ये हुआ था, फॉर व्हाट, एवरीथिंग। मेरे को 10 दिन का टाइम। भारतीय अदाकारा राखी सावंत ने अपने निकाह पर कलमा तैयबा पढ़ा और निकाह नामे पर इनका नाम फातिमा लिखा गया। बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत के निकाह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर राखी सावंत की जानिब से अपने मुसलमान शोहर के साथ एक तस्वीर भी शेयर की गई है, जिसमें वो दोनों निकाह नामा थामे खड़े हैं। इस निकाह नामे पर राखी सावंत का नाम फातिमा लिखा हुआ है। यहाँ पर हम आपको बताते चले कि राखी सावंत ने गुज़िश्ता रोज अपनी शादी की तस्दीक करते हुए निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी और लिखा कि मैं बहुत खुश और पुरजोश हूँ, आखिरकार मैं जिससे प्यार करती थी मैंने उससे शादी कर ली। राखी की जानिब से शेयर करदा तस्वीर में मैरिज सर्टिफिकेट भी है, जिस पर जुलाई 2022 की तारीख दर्ज है। लेकिन हम आपको ताज़ा तरीन खबर बताएंगे, बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत और शोहर आदिल खान के बयान ने शादी को मतनाज़ा बना दिया है। राखी ने आदिल पर कबूल ना करने के इल्जाम आयद कर दिया। आदिल दुरानी ने साथ होने का दावा कर दिया। आदिल दुरानी ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में राखी से शादी की खबरों को जहली करार दिया था, जिसके बाद राखी ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया, जिसके बाद खातून सहाफी की जानिब से आदिल दुरानी और राखी की ऑडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में आदिल अपने बयानात से मुकर गए और कहने लगे कि राखी और अब मैं, हम दोनों साथ हैं। आदिल खान दुरानी ने कहा कि मैं सच कहूंगा कि हम दोनों अब भी साथ हैं, एक साथ घूम फिर रहे हैं और हमारे दरमियान कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। राखी सावंत का कहना है, मैंने आदिल से शादी के लिए इस्लाम कबूल किया, अपना नाम बदला, आदिल के तौर तरीके अपना रही हूँ। राखी सावंत का ये भी कहना था कि आदिल ने मुझसे कहा था कि शादी को मीडिया से खुफिया रखना है, मैंने तस्लीम किया कि नहीं बताएंगे, लेकिन अब सारी चीजें मौजूद हैं तो आदिल क्यों इनकार कर रहे हैं। राखी के शदीद रद्द अमल के बाद आदिल खान ने अपना बयान फिर से बदल कर नई बहस छेड़ दी है। चले जो भी हो, जैसे राखी सावंत ड्रामा क्वीन है तो उसके हस्बैंड भी एक ड्रामा किंग हो सकते हैं, क्योंकि आदिल का ये भी कहना था कि मैं आपको इस सच्चाई के बारे में 10-12 दिन तक बताऊंगा और आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। ले अब 10-12 दिन हम वेट कर लेंगे और देखेंगे कि सच्चाई क्या है। साथ में अपनी वीडियो का एंड करती हूं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।